दोस्तों अज मैं तुहाडे नाल एक बार फिर जिहड़ा पंचायत दीआं जमीनां ते नजायज़ कब्जे ने ताकतवर लोकां दे पोलिटिकल पोलिटिशियनज़ दे ब्यूरोक्रैट्स दे ते लैंड माफिया दे क्योंकि ये काफ़ी मुद्दा इस वक्त पंजाब दे विच गरमाया होया वा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले दिनों जिहड़ा जाके छोटी बड़ी नगल पिंड आ मुल्लांपुर चंडीगढ़ के लागे उत्थे कहता जाके जी 2828 एकड़ सी कब्जा छड़ा लिया तो उहदे चों गणाता जी कि 125 किला सिमरनजीत सिंह मान दे परिवार सारे नगल छोटी वड्डी नगल दे पुराने नवे सरपंच पंच सारे मेरे कोल आए। वो कहिंदे साडे कोल असीं 400 तों ज़्यादा परिवार इफेक्ट होया वा। 1873 दा साडा मालकी दा रिकॉर्ड आ, असीं मालकी खाने च बैठे हाँ, काश्तकार दे खाने च नहीं बैठे। पर उहदे बावजूद सिर्फ क्योंकि प्रचार करना सीगा ते मेरा ख्याल किते ना किते सिमरनजीत मान दे नाल नफरत दी भावना दे नाल मुख्यमंत्री साहब उत्थे आप खुद गए तो उत्थे एक बोर्ड ला के आ गए कि असीं 2828 किले जमीन छुड़वा ली। हालांकि वह सारा विवादित मुद्दा वा, पर मेरे को अज डॉक्यूमेंट्स जिहड़े ने वह मैं तुहानू दो पिंडां दे डॉक्यूमेंट्स दिखाउणा चाहुंदा जिहड़े मैं जिहड़े सारे मीडिया के सामने भी पेश कीते ने। यह दो पिंडां दा जिहड़ा वेरवा हैगा वा ये कपूरथले जिले के दो पिंड ने। एक हैगा वा जामेवाल पिंड जिहड़ा कि सुल्तानपुर लोधी की तहसील फॉल करदा, तो दूसरा है फतेवाला पिंड। फतेहवाला पिंड यह भी सुल्तानपुर लोधी तहसील चा जिला कपूरथला दोनों दे ये दोने जिहड़े पिंडां दा रेवन्यू रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं। इहदे च बकायदा तौर ते तुहानूं हुण समझाउणा वा ये 21 एकड़ जमीन है जिहड़ी वह बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल दे नजायज़ कब्जे दे विच। मैं अदरवाइज बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल का सत्कार करदा, कोई मेरी जाति लड़ाई नहीं की, लेकिन गल हुण असूल दी चल रही पंजाब दे विच कि की आया ताकतवर लोकां कोलों सियासतदानां कोलों भगवंत सिंह मान की सरकार जमीना छडावेगी कि गरीबां दे उत्ते कहर मचावेगी। झलेड़ी कलां पिंड फतेहगढ़ साहब अत गरीब बंदे, अरनो पिंड छतराणा पातड़ा दे लागे अत गरीब बंदे, भमें कलां पिंड लुधियाणे च अत गरीब किसान। और असीं सारयां ने कहा कि गरीबां तों मत छडाओ, जिहड़े चंडीगढ़ दे नेड़े प्रभावशाली लुधियाणा अमृतसर जलंधर दे जिहड़ा जिहड़े ताकतवर पोलिटिकल बंदयां ने कब्जे कीते ने उहनां दी जमीनां छडाओ। तो यह जिहड़ा मैं फर्द तुहानूं नेड़े तों दिखा सकदा वां, इहदे च जिहड़ियां चार रेलेवेंट कॉलम्स ने, इन्हां विच्चों पहली कॉलम जिहड़ी हैगी आ वह तुसीं देख सकदे हो, दूसरी कॉलम दसदा वा, दूसरी कॉलम दा तुहानूं पहलां वेरवा दिंदा। दूसरी कॉलम दा वेरवा यह आ कि आ इत्थे लिखिया होया नजायज़ काश्त। एक बार कैमरा मिले कोल, नजायज़ काश्त का मतलब आ इलीगल टिलिंग ऑफ लैंड, उहदी जिहड़ी वाही कीती जा रही है, जिहड़ी खेती की जा रही उस जमीन ते वह नजायज़ लिखिया वा। दूसरा जिहड़ा कॉलम हुंदा वा मालकी दा कॉलम आ, वह इत्थे आ मालकी दा कॉलम आ नंबर तीन कॉलम। इहदे च तुसीं देखोगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब हैगा इहदे चों जिन्ने भी शेयर्स दिते ने, आ शेयर्स लिखे ने इन्हां ने, एक मिनट, 99% शेयर्स मालकी खाने दे विच प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे ने, इत्थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट लिखा है। 99% मालकी खाने विच प्रोविंशियल गवर्नमेंट बैठी है। और आगे आ गया काश्तकार दा खाना, एक एक इन वाह कौन रहा इस काश्तकार दे खाने दे विच तुसीं देखोगे ते आण के आ एक बारी निगाह मारोंगे, एक काश्त दा खाना है नंबर चार कॉलम जिहड़ी काश्त दा खाना इत्थे आ गया। अगे जो भी इन्हां दा चैरिटेबल ट्रस्ट है बाबा सीचेवाल दा निर्मल कुटिया, ये दो पिंड जिहड़ी जमीन है दोनों पिंडां दी ये बाबा बलबीर सिंह दे कब्जे च काफ़ी दहाकियां तो कब्जे च, और इहदा साबित हो गया रेवन्यू रिकॉर्ड बोलता वा कि ये नजायज़ काश्त विच नजायज़ काश्त कर रहे ने। मालकी खाने विच सरकार बैठी है, पंजाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट बैठी है, काश्त दे खाने विच मतलब काबज़ खाने दे विच इन्हां दा जिहड़ा ट्रस्ट बैठा वा दो पिंडां दी जमीन दे विच 21 एकड़ जमीन। और पिछले कुछ दहाकियां तो जिन्नी देर दी उहदी फसल वगैरह जिहड़ी बीजी जा रही है बेची जा रही है वह सारा इन्हां दे अपने ट्रस्ट विच जां अपने निजी अकाउंट विच पैसा जा रहा, किसी पंचायत के खाते दे विच कोई एक रुपया नहीं जा रहा। मैं अज चिट्ठी लिखी है भगवंत सिंह मान नूं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जिहड़े रेवन्यू रिकॉर्ड है लेटैसट 18-19 की जमाबंदी मेरे कोल है इस वेले हाथ विच आ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जिहड़े मैं चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस और उहदी कॉपी जिहड़ी है कुलदीप सिंह धालीवाल पंचायत मिनिस्टर के ऑफिस पहुँचते कर दिते। हुण देखना यह होगा कि की आया ये जिहड़ा कैंपेन है यह सिर्फ पोलीटिकली मोटिवेटड है कि सिर्फ सियासियों के उत्ते वार करने, विरोधियों की जमीन छुटाउणियां ने, गरीब मार्जिनल
करीब छोटे किसानों की जमीन छुड़ाया कि ताकतवर बंदे जिहड़े इन्हां दे हन, क्योंकि सिचेवाल बलबीर सिंह सिचेवाल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मैंबर ने, कोई छोटे मोटे बंदे नहीं के, और उन्होंने को होर कि जमीन है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पंचायत की जमीन है, उन्होंने खुद डिस्कलोज करना चाहिए। यह तो सिर्फ जो मैं रिकॉर्ड तुहाडा पेश किया नज़र आया कि 21 एकड़ जमीन और जिन्नी कमाई हुई वो सारी पिछले कुछ दहाकों की उन्होंने कोल जाती गई है। बेसिकली ये बहुत वड्डे तौर के उत्ते फाइनैंशियल डिफॉल्टर है पंजाब सरकार के। इस तो अलावा जिहड़ा चंद दिन पहला मैं लिया पब्लिक डोमेन च, वह है बड़ा सुनने वाली गल है ध्यान नाल, वो इन्हों का दूजा जिहड़ा राज्यसभा का मैंबर है अशोक मित्तल, जिहड़े कि लवली यूनिवर्सिटी के मालिक ने जलंधर, वो साढ़े जिले कपूरथले की जमीन हैगी, चहेड़ू पिंड की जमीन इन्हां दे लवली यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर अंदर बोल रहा, एक 1500 एकड़ में कैंपस है इन्हां दा लवली यूनिवर्सिटी, वो चहेड़ू एकड़ की बेशकीमती जमीन 1.25 एकड़ इन्होंने 2012 दे विच प्रोसेस शुरू किया, 2016 विच उहदा तबादला शो कर दिता, तबादला कर दिता। वो जिहड़ी अंदर जमीन है यूनिवर्सिटी के, वो 5-6 करोड़ नूं किला वा, मतलब 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले ली चहेड़ू पंचायत की, तो उन्होंने बाहरले पासे जिहड़ी वई वगदी आ जिहनूं आपां चिट्टी वई कह दिंदे जिहदे च बहुत गंदा पानी ते हड़ दा पानी बहुत आउंदा, उहदे कंडे दे उत्ते जिहड़ी चहेड़ू की पंचायत नूं जमीन दे दित्ती 1.25 किले, उहदी कीमत हैगी 15 लाख नूं एकड़, यानी कि 2.25 करोड़ की कुल जमीन 1.25 एकड़, 2.25 करोड़ रुपए की जमीन दे के अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर 100 करोड़ रुपए की जिहड़ी जमीन चहेड़ू की ले ली और तबादला करता। तुहानूं पता कि जिहड़े अमीर आदमी ने इत्थे सब कुछ मैनिपुलेट कर लैंदे, लेकिन इहदे च इक बड़ा वड्डा नुकता, बहुत वड्डा नुकता फिर नोट करियो, वो यह है कि 1998 च चहेड़ू दे विच्चों 2 पंचायतां बन गईआं, एक चहेड़ू पंचायत रह गई, एक बन गई नानक नगरी, जिहड़ी नानक नगरी आ उहनूं चहेड़ू दा 39% शेयर होल्डर बना दिता गया कि जो भी इहदी जायदाद होवेगी चहेड़ू पंचायत की 39% स्टेक होल्डर शेयर होल्डर जिहड़ा नानक नगरी की पंचायत, तो नानक नगरी का कंसेंट ही नहीं लिया, वो विरोध करते रहे, उन्होंने बहुत चिट्ठियां लिखिया डायरेक्टर तो लैके सारे अफसर लिखिया, उन्होंने किसी ने सुनी नहीं। फिर नानक नगरी का सरपंच जिहड़ा पिछला सरपंच परशोत्तम लाल, उसने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जाके रिट कर दिते, रिट बड़ी एडवांस स्टेज पर पहुंच गई, लवली यूनिवर्सिटी वालों को लग्या कि साड़ी तां जमीन चली जाएगी, उत्थे तां बिल्डिंगां बनिया हुई ने। और इहदे तों पहलां कि मैं अगे जावां, तुसीं हैरान होवोंगे कि तबादला मंजूर होया 2016 च, तो लवली यूनिवर्सिटी दी बिल्डिंगां इस चहेड़ू की 1.25 एकड़ जमीन जिहड़ी इहनां दे कॉम्पलैक्स के अंदर है उत्थे बिल्डिंगां बनिया हुई अज तो 10 साल पहलां दीआं, घट्टो घट 10 ईयर्स ओल्ड। किसने इहनां नूं चेंज ऑफ लैंड यूज दित्ती जदों पंचायत की जमीन से अंदर इन्हों के कॉम्पलैक्स में, तो CLU किसने दिती? ये एड्डा इंपोर्टेंट इशू आ। और मैं गल कह रहा कि नानक नगरी ने परशोत्तम लाल ने जाके हाईकोर्ट में रिट पटीशन करती, बहुत एडवांस स्टेज पर चलेगी, मैंने लगता कि 100% जिहड़ा फैसला हाईकोर्ट ने वह नानक नगरी के पंचायत के हक में देना सीगा, सडनली बड़े ही गुप्त कारण करके अक्टूबर 2021 में वह रिट वापस सरपंच साहब ने या पंचायत ने ले ली, किन्ना कारना करके ली मैं उहदे ते कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर जिहड़ा नवा अधिकारित पंच बनिया सारी पंचायत मेरे को आई, वह कहिंदे साडे नाल बहुत ज्यादती हुई जी, साडी एड्डी कीमती जमीन लवली यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने दबोच ली है, कब्जा कर लिया वा, लैंड ग्रैब कर लिया वा, तो सानू चक के वई दे कंडे उत्ते दे दित्ती और साडी किसी ने बात भी नहीं पुछी। उन्हां दी लड़ाई मैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तक लैके जावांगे, मैं उन्होंने प्रोमिस किया वा। ये दो राज्यसभा के मैंबर भगवंत सिंह मान दोनों ने चिट्ठियां लिखिया, सारा रिकॉर्ड नाल भेजता, और ये कहिंदे ने कि जी असी ये अगर कहेंगे जी तबादला हो गया, पंचायत मिनिस्टर कॉम्पिटेंट आ, जिदा इन्होंने माजरी तहसील इंतकाल रद्द कर दिता, या इन्होंने छोटे बड़ी नगल का जिहड़ा 2828 एकड़ का इंतकाल इको पेन दे नाल रद्द कर दिता, अगर ये चाहन लवली यूनिवर्सिटी का जो 100 करोड़ रुपए का गलत तबादला वा, उसका पंचायत मिनिस्टर उस तबादले को रद्द कर सकता वा, किते कोई लॉ बनाने की लोड़ नहीं, किसी कोर्ट जाने की लोड़ नहीं। ये दोनों गल्लां मैं चीफ मिनिस्टर साहब ते कुलदीप धालीवाल दे ध्यान विच लिया दित्ती। हुण असीं देखना सिर्फ ये आ कि जिहड़ा जिन्ना कैंपेन चल रहा, जिन्ना कैंपेन चल रहा पंचायत की जमीन छुड़ाने वाला, की यह सिर्फ लोक दिखावा वा, सोशल मीडिया कैंपेन है, कैमरे नाल जांदे ने, पुलिस नाल जांदी आ, सारे पिंड नूं अंदर ताड़ दिता जांदा, क्योंकि छोटी वड्डी नगल दे पिंड दे ने कहा जी कि घट्टो घट 2000 आदमी पुलिस दा उत्थे साडे पिंड कब्जा लैण आए सीगे, इदां तां विचारे गरीब आदमी तुहाडा विरोध ही नहीं कर सकदे,
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੱਥ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਸਮੇਤ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਰਿਸੀਟ ਆਫ ਯੋਰ ਈਮੇਲ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਮੈਂ MLA ਬਣਿਆ 2007 ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ MLA ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕੋਲੋਂ 21 ਏਕੜ ਅਤੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਜ਼ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਛੁਡਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ, ਭਾਵਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੋਨੈਂਟ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਪੰਚ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅੱਛੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਮਝਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 100 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀਓਂ ਚੱਕ ਕੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ